सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल की लेटेस्ट मूवी यानी कि द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 के बारे में, क्योंकि कल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसको मैंने कम्प्लीटली वॉच कर लिया है। तो मुझे कैसी लगी और क्या हमको फाइनली मार्वल की एक अच्छी मूवी देखने को मिल चुकी है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है और हम लोगों को देखने को मिलता है जो पीटर है वो अब गुमोरा के मरने के बाद बुरी तरीके से परेशान है और बाकी गार्डियंस जो उसको मिलकर संभाल रहे हैं। इसके बाद हमको एडम वार्डलॉक जो है वो गार्डियंस के ऊपर अटैक करते हुए दिखते हैं, जिसमें रॉकेट जो है बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसको बचाने के लिए उन लोगों को एक कोड चाहिए जो कि है रॉकेट के क्रिएटर के पास। तो उस कोड को, उस पासवर्ड को लेने की जर्नी पे पीटर जो है अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ निकलता है और किस तरीके से वो लोग उस कोड को लेंगे, यही इस मूवी की स्टोरी है। और देखने वाली बात ये थी कि जेम्स गन कैसे एमसीयू फैंस को सी ऑफ करने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को अपना 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम देना पड़ेगा और ये आपको सिनेमाघरों के अंदर बाकी सारी एमसीयू मूवीज की तरह हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पार्ट की। तो इस मूवी का जो पहला पॉजिटिव पार्ट होगा, देखो, वो होगा इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि जेम्स गन, बिकॉज उनको पता है कि उनको ऑडियंस को, फैंस को क्या दिखाना है और मूवी जो है स्टार्टिंग में अपनी एक टोन को सेट करती है और पूरी की पूरी मूवी जो है एंड तक उसी टोन पे चलती है। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा, देखो, वो होगा सारे के सारे गार्जियंस, बिकॉज सबने एकदम गजब काम किया है, सबके साथ हमारा एक कमाल का जो इमोशन है वो पहले से जुड़ा हुआ है। बट इस मूवी के अंदर 2 कैरेक्टर्स के ऊपर मेन फोकस किया गया है। पहला रॉकेट, जिसकी पूरी की पूरी बैक स्टोरी को आपके सामने रखा गया है, जो कि इतनी ब्यूटीफुल है, जो कि इतनी हर्ट टचिंग है, आपको मजा आने वाला है। और साथ में क्विल और गुमोरा के बीच में हल्का सा जो वो वियर्ड रिलेशनशिप चल रहा है उसको देख के आपको मजा आने वाला है। इसके बाद जो इस मूवी का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा, देखो, वो होगा इस मूवी के इमोशंस। चाहे आप बात करो किसी भी करेक्टर की, ड्रैक्स की या फिर गुमोरा की या फिर नेबुला की, किसी की भी बात करो, आपको इमोशंस को देख के मजा आने वाला है। और इस मूवी ने अपने इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से कन्वे किया है कि आपको लिटरली बुरा, अच्छा, खुशी, गम सब महसूस होने वाला है। इसके बाद जो इस मूवी का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा, देखो, वो होगा हम लोग किसी भी मार्वल मूवी को मोमेंट के लिए जानते हैं और इसमें आपको ऐसे 3 या 4 मोमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जिसके ऊपर आप सीटियां, तालियां और आपके वो अंदर से आता है कि यार हाँ मजा आया इसको देख के और कुछ बढ़िया हो रहा है। तो मोमेंट्स वाइज ये मूवी मेरे को पसंद आई। और बात करें VFX और डबिंग की, जिस तरीके से मार्वल मूवीज के अंदर VFX और डबिंग होती है, आपको यहाँ पर भी एक अच्छी क्वालिटी की VFX और अच्छी क्वालिटी की डबिंग देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो इस मूवी का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा, देखो, वो होगा इस मूवी की पेस, बिकॉज मूवी की लेंथ 2.5 घंटे से ज्यादा की और मूवी ने बिल्कुल भी बोर नहीं किया। चाहे आप फर्स्ट हाफ की बात करो, चाहे आप सेकेंड हाफ की बात करो, मूवी ने अपनी पेस को बना के रखा है और वो आपको बोर नहीं करती, जिसका क्रेडिट पूरी तरीके से इसके डायरेक्टर और इसके राइटर को जाता है। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा, देखो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला कि मूवी अपनी एक टोन को सेट कर लिया है स्टार्टिंग में, मूवी सीरियस होने के साथ साथ काफी जगह पे कॉमेडी भी है और मूवी कहीं पर भी अपने उस कॉमेडी वाले पार्ट को या फिर फन वाले पार्ट को कहीं पर भी ड्रॉप नहीं करती है। तो बेसिकली मूवी की जो कॉमेडी है वो अच्छी है। तो अब बात करते हैं इस मूवी के नेगेटिव पार्ट की। देखो, मेरे को पर्सनली ऐसा फील हुआ कि इस मूवी के अंदर जो विलन है वो थोड़ा सा वीक है, जो कि हमेशा से ही एमसीयू की प्रॉब्लम रही है। तो काफी हद तक मुझे ऐसा फील हुआ कि इसका जो विलन है थोड़ा सा पावरफुल हो सकता था, बिकॉज जिस तरीके से उन लोगों ने इसको बिल्ड किया कि लाइक वो लिटरली वो एडम वार्डलॉक को हाथ से इस तरीके से मोड़ रहा है, जो भी कर रहा है, बट जब गार्डन की बारी आई तो वो बुरी तरीके से मार खा रहा है, पिट रहा है। तो काफी हद तक ऐसा फील हुआ कि इसका विलन जो है थोड़ा सा बेटर हो सकता था। इन द एंड देखो, मैं आप लोगों से इतना बोलूंगा, मूवी के अंदर स्टोरी अच्छी है, मूवी का VFX अच्छा है, मूवी के अंदर इमोशंस अच्छे हैं, मूवी के अंदर एक कमाल की टोन सेट की गई जो मेरे को पसंद आई, मूवी में कॉमेडी पार्ट अच्छा है। तो मूवी के अंदर आपको वो सारे एलिमेंट्स मिलते हैं जो कोई भी एक गार्डियन फैन जो है उस मूवी से एक्सपेक्ट करता है। तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 4.5 स्टार और आप लोगों से इतना बोलूंगा कि जाके इस मूवी को चेक करो, ये मूवी आपको निराश नहीं करती। और काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्वल के पिछले कुछ टाइम से खराब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खराब रिस्पॉन्सेस चल रहे हैं, उसको ये ओवरकम करने वाली है। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3। तो अगर आप लोगों ने इस मूवी को चेक कर लिया है, आपको ये कैसी लगी नीचे अपने हॉट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।